दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलबिली कॉमिक्स। वॉच द वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एनिंग टेस्टी सा खाना बनाकर तैयार होके आती है। उसके ड्रेस देख उसके फ्रेंड जिया कहती है, तू कुकुम्बर बन के ब्लाइंड डेट पे जाएगी? लगता है पिछले सारे ब्लाइंड डेट्स की तरह ये भी फेल ही होने वाली है। इधर मिस्टर लॉन्ग रेडी शेडी होकर अपनी कार में आना था। एनिंग अपनी मस्ती में झूमती जा रही थी, पर उसे कुछ फील होता है तो वो कार की विंडो देख के दांत साफ करने लगती है। मिस्टर लॉन्ग उसे देख विंडो खोल देता है। बेचारी का तो पोपटी हो गया था, तो भाग जाती है। मिस्टर लॉन्ग उसे देख के कहता है, कुकम्बर फ्रीक। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लॉन्ग एक होटल का सीईओ है। अंकल उसे उसके बिजनेस राइवल एल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने को बोल रहे थे, बट वो उसे सीधा सीधा रिजेक्ट करके चला जाता है। इधर एनिंग ब्लाइंड डेट पे आई थी और वो लड़का उसे फ्लर्ट करने लगता है। उसकी आईज में देखते ही एनिंग को पता चल जाता है कि वो लड़का एक नंबर का कमीना है। रोज लड़कियों के साथ सोता है और प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें छोड़ देता है, तो वो उसके सारे कांड एक्सपोज कर देती है। उस लड़के ने उसे पगलैट और बुढ़िया बोल दिया था, तो वो गुस्से में आके अपने कुंफू से उसे धो डालती है। अरे रुको रुको, वो भी ये सिर्फ सोच रही थी, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो जानबूझ के बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर देती है और वॉशरूम के बहाने से भाग जाती है, ताकि सबका बिल उस लड़के को पे करना पड़े। एनिंग उस लड़के को गालियां दे ही रही थी, तभी मिस्टर लॉन्ग भी एलिवेटर में आ जाता है और उसे बड़बड़ाता देख सोचता है, लगता है ये कुकम्बर फ्रीक पगलैट है। एलिवेटर हिलने लगा था तो एनिंग हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और डर के मारे उसकी हवा टाइट हो रही थी। लाइट्स ऑफ होते ही वो मिस्टर लॉन्ग के कंधे पे चढ़ जाती है, जबकि वो चिल्ला रहा था कि अरे मुझे टच मत करो। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं तो वो उसे धक्का देकर भागता है। मिस्टर लॉन्ग को उल्टी करता देख वो पूछती है, तुम ठीक हो? ही वॉज लाइक, कुकम्बर फ्रीक भागो यहाँ से। वो सोचती है, इसके तो डर के मारे उल्टी निकल गई। खैर मैं तो सिर्फ अंधेरे से डरती हूँ। मिस्टर लॉन्ग के डैड उसे कहते हैं, तेरी गलतियों की वजह से बिजनेस में पहली बार घाटा हुआ, इसलिए माफ कर रहा हूँ, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सॉरी बोलकर चला जाता है। एनिंग चुपके चुपके घर आती है और उसकी मॉम उसके पीछे पीछे, वो अपनी जान बचा के भागती है। इनफैक्ट मॉम ने उसे बहुत बार ब्लाइंड डेट पे भेजा था, बट वो इस बार की तरह हर बार भी लड़कों का पोपट बना के भाग आती थी, क्योंकि हर बार उसे अजीब ही लड़के मिलते हैं। यहाँ तक कि डेटिंग साइट्स ने भी उसे ब्लॉक कर दिया था। तभी ग्रैंडपा का एनिंग को मॉम से बचा लेते हैं, तब जाके उसके जाल में जान आती है। बेचारी को शादी के लिए लड़का तो मिल नहीं रहा था, तो वेडिंग गाउन पहन के ही पी कर रही थी। तभी मॉम अंदर आ जाती है क्योंकि उसने गेट बंद ही नहीं किया था। मॉम को भी जोर से लगी थी, इसलिए उसे बाहर भगा देती है, बट वो गेट खुला छोड़ जाती है। मिस्टर लॉन्ग अपने फ्रेंड यिमिंग के साथ था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भी कोई लड़की मिस्टर लॉन्ग को टच करती है तो उसे उल्टी हो जाती है। यिमिंग फौरन जाने वाला था तो वो कहता है, मैं तुझे एक सरप्राइज दूंगा, और गर्ल्स के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। रात में मिस्टर लॉन्ग को एक सपना आ रहा था जिसमे एक लड़की उसे आई हेट यू बोल रही थी। इनफैक्ट मिस्टर लॉन्ग के बचपन के एक इंसिडेंट की वजह से उसे एमनेशिया हो गया था, जिससे उसके सिर में हमेशा दर्द होने लगता है। एरोगेंट मैनेजर को सब गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, बट वो किसी को भी विश नहीं करती, तो हेड शेफ उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें सबकी विश लेनी चाहिए, बट वो तो उल्टा उसी को बुढ़ा बोल देती है। तभी अंकल अंकल करती हुई एनिंग वहाँ जाती है और मैनेजर की आईज में देख के उसे पता चल जाता है कि मैनेजर सिंगल है और ज्यादा एज की होने के बाद भी खुद को कम एज की बताती है। इनफैक्ट एनिंग में सुपर पावर्स है कि वो किसी की आईज में उसकी मेमोरी को देख सकती है। हेड शेफ उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि एनिंग के जॉब पे फर्स्ट डे होता है और वहीं पे यिमिंग भी था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है लविंग यू अ बिलियन टाइम्स ओवर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी कॉमिक है। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तभी होटल में मिस्टर लॉन्ग की एंट्री होती है। मैनेजर उसे देख के सोचती है, ये तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, पर स्टाफ गर्ल्स मिस्टर लॉन्ग को गे बोल रही थी, क्योंकि इतना हैंडसम होने के बाद भी वो अभी तक सिंगल है। एनिंग से एक्सीडेंटली सारा सूप पलट जाता है, वो भी उसी के ड्रेस पे, बट ये सूप तो आज बैंकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मिस्टर लॉन्ग चेकिंग करने आ जाता है तो सब एनिंग को पीछे छुपा लेते हैं। यिमिंग मिस्टर लॉन्ग को कहता है, सरप्राइज, पर मिस्टर लॉन्ग एनिंग को छुपे हुए देख लेता है
और दोनों एक दूसरे को देख हैरान। नेक्स्ट सीन में वो उसके चारों तरफ घूम रहा था और उसे जॉब से फायर कर देता है, तो वो अपने कपड़ों पे से सूप चाट के कहती है, मैं ऐसे फिर से बना सकती हूँ। बट मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, तुम जैसे भी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, निकलो यहाँ से। वो कहती है, तुम मुझे सूप पलटने की वजह से फायर कर रहे हो या एलिवेटर में जो हुआ था उसकी वजह से? वो कहता है, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे ऊपर चढ़ गई थी। वो कहती है, पर तुम्हें चोट थोड़ी ना लगी थी? चलो फिर भी सॉरी। बट ही वाज लाइक, बहुत बकवास कर ली, निकलो यहाँ से। वो जाने लगी थी पर वो उसे कुकम्बर फ्रीक बोल देता है। एनिंग उसके आईज में उसकी मेमोरी देख लेती है तो कहती है, अच्छा तो तुम्हारी गलतियों की वजह से बिजनेस में घाटा हुआ। वो कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम एल ग्रुप के जासूस हो? और उन दोनों में बहस हो जाती है। हेड शेफ की आती है, वो चली जाती है। हेड शेफ कहता है, वो अभी बच्ची है, प्लीज उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना। बेचारी एनिंग अपने फर्स्ट डे पे फायर हो गई थी तो सब उसके लिए सैड होते हैं, पर वो जाने से पहले बिल्कुल वैसे सूप बनाती है। हेड शेफ ने मिस्टर लॉन्ग को बता दिया था कि एनिंग बहुत अच्छा खाना बनाती है। मिस्टर लॉन्ग को यकीन तो नहीं था पर फिर भी वो हेड शेफ के कहने पे उसे एक चांस दे देता है। एनिंग का शेफ बनने का ड्रीम है और वो नूडल्स बनाकर मिस्टर लॉन्ग को देने आ जाती है। नूडल्स खाते ही मिस्टर लॉन्ग को अपनी ग्रैंड माँ की याद आ जाती है जिसकी उसके बचपन में डेथ हो गई थी, तो वो पूछता है, तुम्हें मेरे रिलेटेड इतनी सारी बातें कैसे पता है? एनिंग पहले तो बात टालती है बट फिर बता देती है कि बात ये है कि मैं दूसरों की मेमोरी देख सकती हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर लॉन्ग को उसकी बात पे यकीन नहीं आता तो वो उसकी आईज में देख के कहती है, यिमिंग तुम्हारा फ्रेंड है ना, और तुम गर्ल्स को टच नहीं कर सकते। वो कहता है, तुम्हें यिमिंग ने ये सब भी बता दिया? मिस्टर लॉन्ग को उस पर अभी यकीन नहीं आ रहा था तो वो अपनी सुपर पावर्स प्रूव करने के लिए बाहर लेके आती है। एक ओल्ड लेडी अपने परिवार से बिछड़ गई थी क्योंकि उसे एमनीशिया है, तो वो उसकी आईज में देख के उसे उसके बेटे से मिलवा देती है। उनका बेटा तो एनिंग को पहचानता ही नहीं, तो वो ये बोल देती है कि मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। वो उसे थैंक यू करने के लिए जबरदस्ती पैसे दे देता है। एनिंग वो पैसे और कुछ अपने पैसे रास्ते में बैठे बाप बेटी को दे देती है। मिस्टर लॉन्ग उसे देख रहा था तो कहता है, क्या पता वो लोग फ्रॉड हों। एनिंग कहती है, तुम जैसे अमीर साथ यही सोचते हैं, उसकी फैमिली की डेथ हो गई है और उस बाप बेटी को भी ट्यूमर है। इधर मिस्टर लॉन्ग की मॉम मिस्टर लॉन्ग के लिए वाइफ ढूंढ रही थी बट वो लड़की कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। मिस्टर लॉन्ग को उस पर अभी यकीन नहीं आ रहा था तो वो वहीं बैठे कपल्स के बारे में बताती है जो बिल्कुल सच निकलता है, इसलिए मिस्टर लॉन्ग उसे जॉब पे रखने के लिए मान जाता है। तो वो खुश होकर उसे अपनी पावर्स को सीक्रेट रखने को कहती है। तभी मिस्टर लॉन्ग उसकी मॉम का फोन आता है जो उसे डांट रही थी कि तू डेट पे क्यों नहीं आया, पर हमें पता चलता है कि वो किसी बात से अपनी मॉम से गुस्सा है। यिमिंग के डैड उसे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजने वाले थे बट वो छुपके मिस्टर लॉन्ग के होटल में शेफ बना हुआ है और मिस्टर लॉन्ग को भी उसके डैड को कुछ भी ना बताने को कहता है और फिर उससे पूछता है, तूने एनिंग को इसलिए फायर नहीं किया ना क्योंकि वो तुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है? मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, लगता है लड़कियों के साथ रहने से तुझे पिक भी ब्यूटीफुल लगने लगी। जिया ऑडिशन के लिए डायरेक्टर से मिलने आती है पर उसने होटल में बुलाया था इसलिए उसे अजीब फील हो रहा था। डायरेक्टर जिया से बदतमीजी करने लगा था पर जिया उसे धो डालती है। यिमिंग तो उसका बेड़ा स्टाइल देख के ही उस पर लट्टू हो गया था। इधर मिस्टर लॉन्ग को सिर में दर्द होने लगता है तो वो अपने बचपन के इंसिडेंट वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए एनिंग को कॉल करके बुलाता है और कहता है, तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी और तुम्हारी स्टडी का सारा खर्चा मैं पे करूंगा, बताओ मंजूर है? एनिंग वाज लाइक, तुम मुझे इतना सब क्यों दे रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, क्या तुम मुझे अपने मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो? तो वो उसे घूरता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके अकॉर्डिंग वो एनिंग के सुपर पावर्स की हेल्प से अपनी खोई हुई मेमोरी को और सच का पता लगा पाएगा। एनिंग की मॉम उसे फिर से सिंगल होने की वजह से सुनाने लगी थी कि तेरा तो लुक और फिगर कुछ भी खास नहीं है, तूने तो कभी किसी लड़के को टच भी नहीं किया। बेचारी एनिंग सोचती है, अरे मेरी फिगर सही तो है, तो मॉम उसके पिछवाड़े पे मार के चुप करा देती है बट वो फिर भी बांस नहीं आ रही थी। हील फंसने की वजह से मैनेजर गिरने वाली थी तो हेड शेफ उसे पकड़ के बचा लेता है बट उसने उसके पैर पे हील रख दी थी, बेचारा हेड शेफ। रोमांटिक सीन का तो थ्रिलर निकला। मिस्टर लॉन्ग एनिंग को कहता है, अब से रंग बिरंगे कपड़े पहनना बंद करो, बट वो उसकी आईज में देख लेती है कि उसने उसे कुकम्बर फ्रीक बोला था, तो कहती है, अगर आज के बाद तुमने मुझे कुकम्बर फ्रीक कहा ना तो मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी कि तुम गर्ल्स को टच नहीं कर सकते। मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है सीईओ को? और फिर कुछ गर्ल्स को बातें करते सुनता है जो बोल रही थी कि एनिंग अभी तक सिंगल है, सुना है उसे लड़कियां पसंद है।
दो कस्टमर खुद को वीआईपी बोल के हेड शेफ की बनाई हुई डिश ऑर्डर कर देते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि बहुत बेकार खाना बनाया है। फिर वो हेड शेफ को बुलाने कहते हैं। मैनेजर उन्हें हैंडल करने की कोशिश करती है पर वो तो पीछे पड़ गए थे। हेड शेफ के साथ साथ बाकी भी आ जाते हैं। कस्टमर्स की आइस में देख एनिंग को पता चल जाता है कि उन दोनों के एल ग्रुप के प्रेसिडेंट ने होटल की इमेज खराब करने भेजा है, तो वो उन दोनों को एक्सपोज कर देती है। मिस्टर लॉन्ग भी सब सुन रहा था, इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए हेड शेफ के हाथों की बनी डिश सारे कस्टमर्स को फ्री में सर्व करवाता है ताकि वो बताएं कि डिश अच्छी बनी है या बुरी। सबको डिश बहुत टेस्टी लगती है तो वो उन दोनों को पकवाने के लिए पुलिस को बुला लेते हैं। नेक्स्ट डे एनिंग को देख मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, तुम्हारी सारी ड्रेसेस फ्रूट जैसी क्यों दिखती हैं? वो कहती है, तुम मुझे अब क्या बनाओगे, अपने असिस्टेंट, सेक्रेटरी या गर्लफ्रेंड? वो उसे घूरने लगा था तो कहती है, अरे आगे देखो, मैं सिंगल नहीं बनना चाहती। मिस्टर लॉन्ग उसे अपने असिस्टेंट बनाकर मीटिंग के लिए लंच पे लेके आता है। खाना देख एनिंग के पेट में चूहे कूद रहे थे। वहाँ मिस्टर लॉन्ग की एक फ्रेंड की आइस में एनिंग देखती है कि स्कूल टाइम पे उस लड़के ने देखा था कि मिस्टर लॉन्ग जख्मी पड़ा है, तो वो पुलिस को बुलाने जाता है और फिर उसके बाद से मिस्टर लॉन्ग अब्रॉड चला गया था। सब जाने लगे थे तो वो बचा हुआ खाना पैक करने को कहती है। मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, व्हाट, ये तो मजाक कर रही है। वो कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, पता है खाना कितने मेहनत से बनता है, मैं इसे वेस्ट होते नहीं देख सकती। मिस्टर लॉन्ग वाज लाइक, बोला ना नहीं लेके जाने का, बट वो खाना पैक करके ले आती है। वो उसे कुछ बोलने लगा था तो कहती है, तुम जैसे अमीरों की ही प्रॉब्लम है। वो उसके करीब हो रही थी बट वो उससे दूर दूर हो रहा था। बस को आता देख एनिंग उसे आगे करके खुद पीछे छुप जाती है, जिससे सारा गंदा पानी मिस्टर लॉन्ग के ऊपर। वो हैरान और इसी के साथ पार्ट वन का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी हुई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिली बिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।